कोरोना के खिलाफ भारतीय नौसेना के एक बड़ा महाअभियान समुद्र यात्रा 2 शुरू किया, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को जीत सके। कोरोना कितना भी बड़ा खिलाड़ी है ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारे देश की नौजवान अगर हमारा साथ हो तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये सब नौजवान हम लोगों को सालों से बचाता आया है, हौसला देता आया है, डर से लड़ना सिखाता आया है, और दूसरी तरफ है भारतीय मीडिया जो हमको डराता आया है। भाई मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो इतना डराओ भी मत। चलिए शुरू करते मासूम कोरोना के खिलाफ नौसेना की अभियान। मासूम इसलिए बोल रहा हूँ कारण यह हमारा नौसेना के साहस के आगे कुछ भी नहीं। भारतीय नौसेना अलग अलग देशों से देर रात को मेडिकल सामग्री लेके आए है, जैसे कि सिंगापुर, कुवैत, कतर। नौसेना के 3 युद्धपोत 4300 टन ऑक्सीजन अलग अलग देशों से लेके आए हैं। इसके अलावा 80 टन तरल ऑक्सीजन, 20 टन क्रायोजेनिक टैंक, पीपीई किट लेके आए हैं। ये मेडिकल सामग्री लाने की अभियान सफल हुआ मंडे May 10, 2021। और भी मेडिकल सामग्री प्रयोजन माफिक बहुत सारे चीज लेके आए हैं। जल, थल और नभ हर सेना अपना निस्वार्थ भावना से कोरोना के खिलाफ खड़ा उतरा है। इस पूरा अभियान में नौसेना के कुल 9 युद्धपोत लगे हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध के लिए नौसेना ने अपना अभ्यास बीच में छोड़ के आ गए। सलाम है उन नौजवानों को जो दुख के घड़ी में हर वक्त हमारा साथ रहा है। INS श्रीकांत ने लिक्विड ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर्स और भी मेडिकल राज सामग्री लेकर कतर के राजधानी दोहा से मुंबई पहुंचा, और मुंबई की नौसेना इसको सही स्थान में पहुंचा दिया। ये ऑक्सीजन के जुगाड़ देश के बहुत सारे बंदरगाहों के लिए है। ये मदद फ्रांस से आए, इंडिया और फ्रांस काफी अच्छे दोस्त है, इसीलिए इस दुख के घड़ी में फ्रांस इंडिया के साथ है। इस सारे काम के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु भी लगाया गया। फ्रांस इंडिया दोनों देश एक साथ 9 अभ्यास में थे, और अचानक ऑक्सीजन लाने के ऑर्डर के लिए तुरंत वो ऑक्सीजन लाने के लिए जुट गए। भारतीय नौसेना पिछले साल भी ऑपरेशन सेतु चलाया था। इसमें नौसेना ने मालदीव, श्रीलंका, ईरान में फंसे लगभग 4000 लोग को बचाया था। इस अभियान में INS जल्लास और INS शार्दुल ने हिस्सा भी लिया था। दोस्तों आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर भारतीय सेना हमारा साथ है तो कोरोना से भी बड़ा बड़ा वायरस बाजीमत हो जाएगा। और एक बात सुन लीजिए, कोरोना कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हिम्मत के आगे कुछ भी नहीं। समझो जो डर गया वो मर गया, आपका हिम्मत ही आपको बचाएगा। और मीडिया के डरावने बातों में ध्यान मत दीजिए, सुन लीजिए, अगर एक मर रहा है तो 100 ठीक भी हो रहा है तो सिर्फ मरने की रिपोर्ट ही क्यों सुनाया जाता है। मरता वो है जो डरता है, जो अपने पे और रब पे विश्वास रखता है, जिसका हिम्मत ही उसका दबाई हो उसको कोई मार नहीं सकता। और हाँ, इंडियन नेवी को मेरा सत सत प्रणाम, सल्यूट ऑल द इंडियन आर्मीज, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे जीवन में इंस्पिरेशन का लहर ला देता है।